हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज देखेंगे जूलॉजी पेपर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पेपर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके और पेपर अब 6 का देखेंगे। तो ये जो यहां पर है 2000 कोई भी सेशन हो, लेकिन खासकर ये बनाया जा रहा है 2020 से 23 सेशन है उन लोगों के लिए है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देखेंगे तो मानिए लगभग अगर 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो शायद एक क्वेश्चन गलत होने का चांस है। तो जो लगेगा मुझे गलत है उसको डिस्क्रिप्शन में लिख कर बता देंगे, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अभी ऑब्जेक्टिव हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर पेपर 6 का, जूलॉजी ऑनर्स पेपर 6। तो यहाँ पर है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसे एसोसिएटेड नहीं होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम से यह एसोसिएटेड नहीं होते, एसोसिएटेड होते हैं फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम से, फिर फॉर्मेशन ऑफ एटीपेज एंजाइम, तो ये दोनों से होते हैं। तो नॉट एसोसिएटेड किससे होता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। सेकेंड क्वेश्चन है लाइसोसोम या लाइसोजोम कंटेन, तो लाइसोजोम कंटेन होता है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उसमें होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोजोम में होता है। तो ध्यान रखना है लाइसोजोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। थर्ड है द एंजाइम एटीपी सिंथेटेज इज प्रेजेंट इन द, कौन से मतलब एंजाइम एटीपी सिंथेटेज जो एटीपी बनाता है वह एंजाइम कहाँ पर है। तो इसका इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर कि एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रेजेंट होता है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ध्यान रख रहा है एटीपी सिंथेटेज जो एंजाइम होते हैं प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ है क्वेश्चन प्रोटीन एक्सटेंडिंग थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्विंग एज कैरियर्स आर, तो इसका हो जाएगा इंटरमीडिएट। प्रोटीन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वह इस तरीके से सर्विस करता है या कैरी करता है जो इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है। तो ध्यान में रखना है प्रोटीन वर्क करता है इंटरमीडिएट की तरह। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लैकिंग इन, ER में कम मतलब ER किस में कम होता है, तो यहाँ पर है बैक्टीरिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टिज, तो यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वह हमेशा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वह मूवमेंट होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। फिर है पॉलीजोम इज अ चेन ऑफ, पॉलीजोम किसका चेन है, तो यह चेन जो है राइबोजोम, बहुत सारे राइबोजोम मिलकर पॉलीजोम का फॉर्मेशन करता है, तो ध्यान रखना है। फिर है द फिनोमेनन ऑफ लिंकेज इन्वॉल्व्स, तो लिंकेज में इन्वॉल्व्स होता है वह कपलिंग एंड रिपल्सन ऑफ जीन, दोनों इसमें होते हैं। फिनोमेनन ऑफ लिंकेज, लिंकेज में कपलिंग यानी कि दोनों एक साथ रहते हैं और साथ में रिपल्सन भी करते हैं, तो ये दोनों फिनोमिनन होते हैं लिंकेज में। द प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसिस फ्रॉम द DNA यानी कि DNA से RNA बनना, तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखना है आर जो DNA से RNA बनना, तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखना है DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद है म्यूटेशन एराइजेज ड्यू टू, म्यूटेशन किससे एराइज होता है, तो म्यूटेशन एराइज होता है एब्रप्ट चेंज इन जीन यानी कि अचानक अगर जो हमारे जीन में अगर चेंज हो जाए तो वह म्यूटेशन अकर्स होने लगता है। जीन रिकॉम्बिनेशन इज ड्यू टू, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण जीन कॉम्बिनेशन होता है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है जिसमें हमने अभी जस्ट देखा है कि DNA से RNA बनता है। तो RNA मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड ऑन द DNA स्ट्रैंड्स यानी कि DNA स्ट्रैंड्स पर RNA मॉलिक्यूल का बनना, यही कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ध्यान रखना है बहुत इजी जी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीन प्रजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया आर इनहेरिटेड फ्रॉम, तो इसका ये हो जाएगा बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट से ये इनहेरिटेड होते हैं। द जीन प्रजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया ये कौन चीज़ से होते हैं, मेल और फीमेल दोनों से आते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में जीन होता है उस।
फिर द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ लेशमेनिया इज नोन एज इन्फेक्टिव स्टेज लेशमेनिया का है तो वह है एमास्टिगोट। लेशमेनिया डोनोवानी का अगर इन्फेक्टिव स्टेज है, इसी स्टेज में अगर लेशमेनिया डोनोवानी असर दिखाने लगता है, इन्फेक्ट कर देता है किसी को भी। लैक इंसेक्ट आर, लैक इंसेक्ट क्या है तो वह डिवाइड ट्रैकिया यानी कि डिवाइड ऑफ माउथ पार्ट्स। तो यहाँ पर 15 का 4 आंसर हो जाएगा, माउथ पार्ट्स की कमी होती है। आप लैक इंसेक्ट को आप देखेंगे डायग्राम में कहीं पर तो आपको दिखाई देगा कि उसमें ये माउथ पार्ट्स खाली रहते हैं। सिल्क थ्रेड इज मेड ऑफ टू प्रोटीन, नेमली सिल्क थ्रेड होते हैं वह दो प्रोटीन कौन कौन से मिलकर बना होता है, तो ये फाइब्रोइन एंड इलास्टिन, ये याद रखने वाला है। फाइब्रोइन एंड इलास्टिन जो दो फाइबर होते हैं मतलब इसी दोनों से बने होते हैं। फिर उसके बाद के क्वेश्चन है कि लेपिटो कोरिसा वेरी कॉर्निस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पेस्ट ऑफ पैडी का है, तो ध्यान रखना है कि पैडी का लेपिटो कोरिसा वेरी कॉर्निस यह पेस्ट है यानी कि कीड़ा है। उसके बाद है कि व्हिच वन इज अ पेस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट का पेस्ट इसमें से कौन है तो व्हीट का पेस्ट है एंगुइना ट्राइटिक्सी। तो ध्यान रखना है व्हिच वन इज अ पेस्ट ऑफ व्हीट तो इसका हो जाएगा एंगुइना ट्राइटिक्सी। 19th क्वेश्चन है द टॉक्सिक मटेरियल कॉजिंग मलेरिया इज नोन एज, टॉक्सिक मटेरियल मलेरिया कॉज करता है तो उसका नाम है हीमोजोइक। हीमोजोइक ध्यान रखना है या टॉक्सिक मटेरियल जो कि रिलीज होता है मलेरिया के द्वारा और हीमोजोइक ही आगे चलकर मलेरिया ये डिजीज कर देता है। फिर है द लार्वा ऑफ वो केरेरिया बैंक्रॉप्टी इज, तो इसका हो जाएगा माइक्रोफाइलेरी जो लार्वा होते हैं ये वुचेरिया या वुकेरेरिया बैंक्रॉप्टी, तो इसको दोनों भी उच्चारण कर सकते हैं। तो माइक्रोफाइलेरी लार्वा होते हैं उसके कारण यह होता है। उसके बाद ये ध्यान में रखना है इसी के कारण हम लोग को ये हाथी पाव जिसको एलिफेंटियसिस कहते हैं तो ये होता है द लार्वा ऑफ वुचेरेरिया बैंक्रॉप्टीज माइक्रोफाइलेरी। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में नहीं होते। फिर है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन, तो यह होते तीन लेयर से साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये जो अलग अलग होते हैं उसके बीच में तीन लेयर होते तो ध्यान रखना है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एन एनिमल सेल इज कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है वह फॉस्फोलाइपोप्रोटीन यानी कि फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है, लिपिड भी प्रेजेंट होता है और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए फॉस्फोलाइपोप्रोटीन नाम इसको दिया गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल का होता है वो तीनों से मिलकर बना होता है फॉस्फोलाइपोप्रोटीन। राइबोसोम कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ सेल बाय, तो इसको देखा जा सकता है लाइट माइक्रोस्कोप से भी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी राइबोसोम को ऑब्जर्व किया जा सकता है कि सेल में है या नहीं। फिर है डिक्टियोसोम इज ऑल्सो नोन एज गोल्जी बॉडी, कहते हैं डिक्टियोसोम को गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, इसका अदर नेम है डिक्टियोसोम गोल्जी बॉडी का। फिर है विच वन ऑफ दी फ्लोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, इसमें से कौन सा नहीं होता, कौन सी नहीं होता डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, तो इसमें देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट पीसेज दैट आर यूनाइटेड बाई डीएनए लाइगेजेस, तो लाइगेज फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट पीस दैट आर यूनाइटेड यानी कि एकदम छोटा पीस डीएनए का बनता है जो लाइगेज से ज्वाइन होता है, तो ये अकर्स नहीं होते डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये सब होता है जैसे अनवाइंडिंग ऑफ द पेरेंट डबल हेलिक्स, फिर है पॉलीमराइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ 3-5, फिर है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी होता है, तो ये तीनों होता है लेकिन फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट पीस दैट आर यूनाइटेड बाई डीएनए लाइगेज ये प्रोसेस नहीं होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन तो देख लिए कि डीएनए से आरएनए बनना, तो प्रोड्यूस ओनली मैसेंजर आरएनए
और रिक्वायर्ड इसका आंसर हो जाएगा कि प्रोड्यूस ओनली मैसेंजर आरएनए, जो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें मैसेंजर आरएनए को वह ये करता है, मैसेज करता है यानी कि फॉर्मेशन करता है। फिर है द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए वाज प्रपोज्ड बाय, द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसका ये हो जाएगा आंसर रॉबर्ट हॉले ने प्रपोज किया था। फिर है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, तो ध्यान में रखना ये भी बात कि मैसेंजर आरएनएज आर प्रोड्यूस्ड ऑन राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस्ड राइबोसोम पर ये प्रोड्यूस्ड होता है, यही है इसका हो जाएगा ये नॉट करेक्ट है यानी कि गलत बात है। फिर है द रेशियो ऑफ प्यूरिन टू पिरामिडिन इज ऑलवेज, तो इसका रेशियो कितना होता है हमेशा, तो जितना प्यूरिन होगा उतना पिरिमिडिन भी होगा, तो इसका इसलिए आंसर हो जाएगा 1:1 मतलब 1:1। फिर है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते टू कट डीएनए एट सर्टेन प्लेस, डीएनए को कट करने वाला जो एंजाइम होता है उसी को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। फिर है द केमिकल नाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए का केमिकल नाइप्स कौन सी होता है, तो वह इंडोन्यूक्लियेजेस होता है, इंडोन्यूक्लियेजेस के द्वारा ही डीएनए को कट कर सकते, सेपरेट कर सकते। द वेक्टर ऑफ फाइलेरिया वर्म इज, फाइलेरिया वर्म का वेक्टर हो जाएगा, तो यह फीमेल क्यूलेक्स होता है, फाइलेरिया वर्म का फीमेल क्यूलेक्स। फिर है द बग पायरिला पर्पुसिला इज अ पेस्ट ऑफ, तो इसका हो जाएगा शुगर केन का यह पेस्ट है, द बग पायरिला पर्पुसिला इज अ पेस्ट ऑफ, और ये है शुगर केन का। फिर है ड्रोन्स इन हनी बी आर, ड्रोन्स जो होता है हनी बी का वह मेनली हैप्लॉइड होता है, ध्यान रखना है हैप्लॉइड होता है। फिर है द मलबरी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो यह बॉम्बिक्स मोरी से यह आता है, प्रोड्यूस्ड होता है। फिर है नुपचियल फ्लाइट इज परफॉर्म्ड बाय, तो यह हनी बी से नुपचियल फ्लाइट परफॉर्म्ड होता है। फिर है ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड, तो सभी जानते हैं यह सेरिकल्चर से रिलेटेड है, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। उसके बाद है द लिंक्ड कैरेक्टर वुड ऑलवेज इनहेरिट टुगेदर टिल दे आर, तो यहाँ पर उस समय तक होगा जब तक मास्क बाई डोमिनेंस के द्वारा मास्क नहीं होता, तब तक यह डोमिनेंस होते रहेगा। फिर है द जीन आर कंसिडर्ड एज, तो जीन को किस तरीके से कंट्री ये कंसिडर करेंगे, तो द जीन्स आर कंसिडर्ड एज, तो यह यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। फिर है ट्राइजोमी इज एक्सप्रेस्ड एज, तो 2n+1 से हम ट्राइजोमी को एक्सप्रेस करते हैं, ट्राइजोमी जो होते हैं 2n+1 लिखते तो समझ आना चाहिए कि ट्राइजोमी। डीएनए स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल द बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यह एंटी पैरेलल अटैच्ड होते हैं। फिर डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन, डीएनए रेप्लिकेशन होता है वह एस फेज में, इसीलिए तो सिंथेटिस फेज कहते हैं, तो इस फेज में अकर्स होते। फिर है द एंजाइम दैट जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने वाला एंजाइम को लाइगेज एंजाइम कहते। फिर है विच आरएनए इज हैविंग लीस्ट एज, लीस्ट एज सबसे कम एज किसके पास, तो टीआरएनए के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि ऑल डिफ्यूजन एंडोस्टाइसिस, फिर उसके बाद है एंड एग्जोस्टाइसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ ईआर का फंक्शन इसमें से कौन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता, नहीं तो लगभग सभी काम करते हैं। ऑल द फॉलोइंग प्रोसेस अकर इन द माइटोकॉन्ड्रियल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका मैमेलियन सेल एक्सेप्ट, तो इसका हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमेलियन सेल एक्सेप्ट प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस इसका हो जाएगा आंसर, तो ध्यान में रखना है ये सभी। तो द नेम हनी स्टोमैक इन बी इज अप्लाइड फॉर क्रॉप के लिए यह अप्लाई होते हैं, विच फ्रॉम विच स्टेज ऑफ सिल्क मॉथ सिल्क इज ऑब्टेंड, तो वह पुपा स्टेज से सिल्क को प्राप्त किया जाता है जब पुपा स्टेज में होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पेस्ट ऑफ शुगर केन,
तो शुगर केन का पेस्ट हो जाएगा इसमें पायरीला परपुसीला हो जाएगा इसका शुगर केन का ये पेस्ट होता है। फिर है डेड हार्ट ऑफ शुगर केन इज, तो डेड हार्ट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, तो यह होता है इस किरपोफागा निवेला के द्वारा। फिर है इन बी डांस इज मीन्ट फॉर, तो डांस करने का इसका मतलब ही होता है कि रिप्रोडक्शन करना, तो ध्यान में रखना ये सब बात। विच वन ऑफ दी दिस इज अ सिक्रीशन ऑफ, सिक्रीशन ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, तो इसका हो जाएगा लैक। कैटरपिलर ऑफ सिल्क वर्म वेरियसली ईस्ट, तो वेरियसली ईट्स अपॉन, कैटरपिलर किस पर खाता है, तो इसका हो जाएगा यह मलबरी लीव्स पर खाता है। उसके बाद द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया गिवन, किसके द्वारा दिया गया था, बेंडा के द्वारा दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म। फिर है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स रिलेटेड टू, यह किससे है, तो यह लिंकेज से रिलेटेड है। सुसाइडल बैग, तो जानते होंगे कि लाइसोजोम को कहते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते वह 70S का होता है। पॉलीटिन क्रोमोजोम वर फर्स्ट ऑब्जर्व, तो पहले खोजा गया था इनके द्वारा बाल बियनी इन 1881 के द्वारा पॉलीटिन क्रोमोजोम खोजा गया था। क्रॉसिंग ओवर बिगिंस इन, तो इसका हो जाएगा जो यहाँ पर अभी देखिए क्रॉसिंग ओवर बिगिंस इन, तो पैकेटेन से क्रॉसिंग ओवर ही शुरू हो जाता है। द क्रोमोजोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो द क्रोमोजोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो यह कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होते हैं। क्रोमोजोम ऑफ स्पर्म डिराइव्ड होते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज इनहेरिटेड ड्यूरिंग, तो सिंथेसिस आरएनए इनहेरिटेड हो जाता है किसके दौरान, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर यह ग्रोथ फेज के दौरान वह कभी तुरंत ही आ जाता है। फिर है द कंपोनेंट ऑफ द रिस्पायरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स आर लोकेटेड इन, तो यह लोकेशन इसका होता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। फिर है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए, तो इसका यह हो जाएगा द कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स, तो देख लिए इसका हो जाएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद है कि सेलेक्टिव परमिएबिलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वह सेल मेम्ब्रेन का होता है सबसे खास। न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, यह राइबोसोमल प्रोटीन हो जाएगा इसका। फर्टिलाइजेंस आर सिक्रीटेड बाय, जो यह होते तो यह स्पर्मेटोजोआ के द्वारा सिक्रीटेड होता है। फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज रूटेड एज फॉलो, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले डीएनए बनता है, फिर एमआरएनए, तब प्रोटीन बनता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रूट ऐसे ही होता है, डीएनए में आता है, फिर एमआरएनए में, फिर प्रोटीन में। फिर गैमेट आर नेवर हाइब्रिड, तो दिस इज द स्टेटमेंट, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कारण ये है। फिर है कि विच वन इज नीडेड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान वह चाहता है, तो इसका हो जाएगा डीएनए पॉलीकी, तो डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज हो जाएगा। फिर है द चेंज ऑफ क्रोमोजोमल पार्ट बिटवीन नॉन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज नॉन एज, तो इसका ये हो जाएगा, इसको जाना जाता है इन्वर्जन के द्वारा। इन्वर्जन किसको कहते हैं, द चेंज ऑफ क्रोमोजोमल पार्ट बिटवीन नॉन होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम इज नॉन एज, तो इसी को इन्वर्जन कहते, तो ध्यान में रखना है सवाल। डाउन सिंड्रोम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डाउन सिंड्रोम का एग्जाम्पल है ट्राइजोमी का। द इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए इज ए टी टी जी सी फिर जी ए टी जी, तो देन द सीक्वेंस ऑफ बेयर्स इनहेरिटेड ट्रांसपोर्ट विल बी, तो ये हो जाएगा इसका सी ए यू सी मतलब जी जी ए यू, तो यही है यहाँ पर। फिर इफ द सीक्वेंस बेसिस इन डीएनए ये रहा, तो देन सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन ट्रांसपोर्टेड विल भी क्या होगा, तो इसका आप देखेंगे खुद से सॉल्व करके, तो ट्रांसक्रिप्शन गौर होगा। तो फिर उसके बाद है कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम आर, तो यह एमआरएनए प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। फिर है फ्रॉम विच स्टेज ऑफ सिल्क मॉथ लाइफ साइकिल, तो यहाँ पर लाइफ साइकिल सिल्क इज प्रोड्यूस्ड, तो इसका हो जाएगा लार्वा के द्वारा।
प्रोसेसर्स इंडिकस द मेन, तो यहाँ पर है कि प्रोसेरस इंडिकस इज द कॉमन पेस्ट ऑफ, तो कॉमन पेस्ट है वह व्हीट का। फिर है विल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो विल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज अब्जॉर्ब्ड, तो यह हो जाएगा आपका अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम, ये तो देख लिए कंजर्वेशन वाला। यहाँ पर है कि 90 जैसे देख रहे हैं, 92 में तो देख लिया कि विल्ड लाइफ वीक इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम, तो यह 1 से 8 दिसंबर के बीच में अच्छे से देखभाल किया जाता है। फिर नेशनल पार्क एसोसिएटेड विद राइनोसेरस से एसोसिएटेड है, उसके चलते कालिंगरा से विदाव लेंगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन कि नेशनल पार्क एसोसिएटेड विद द राइनोसेरस, तो इसका हो जाएगा काजीरंगा आंसर। फिर है द सेल ऑर्गेनेल विच इन्वॉल्व्ड इन मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज चेंजिंग वन टाइप टू अनदर टाइप, तो इसका हो जाएगा ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ रॉबर्टसन, तो इसका हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही उन्होंने बाउंडेड बताया था। फिर है वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंडेड बाय सिंगल यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ रॉबर्टसन, तो इसका वही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर है सेल डिवीजन इज इनिशिएटेड, सेल डिवीजन स्टार्ट कैसे होता है, तो यह जो होता है वह क्रोमोजोम से ही सेल डिवीजन स्टार्ट करने लगता है। पॉप्स यानी कि बल्ब यानी रिंग आर कनेक्टेड विद, तो इसका यह हो जाएगा यहाँ पर कि आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस वह करता है एक्टिव साइट जो होता है। तो आ प्रोटोप्लास्ट इज, तो इसका हो जाएगा अ सेल विदाउट न्यूक्लियस हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट इफ WBC प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन दे विल, तो इसका हो जाएगा श्रिंक एंड डेवलप, जो श्रिंक एंड कोलैप्स हो जाने की वजह से। फिर उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि RBC ऑफ कैमल जो होता है वह न्यूक्लिएटेड होते, तो फर्स्ट का 100 का 1 हो गया, 100 का 2 है कि इन द एम्ब्रियो फॉर लॉगिंग, तो इसका हो जाएगा एम्ब्रियो ऑफ क्लोनिंग डॉली शेप द फ्यूजन वाज मेड बिटवीन, तो इसका हो जाएगा न्यूक्लियस लेस एक सेल अंडर सेल, तो उसमें न्यूक्लियस नहीं था और सेल के अंदर उसको ये कराया गया। फिर है DNA और प्लाज्मिड जो होते हैं वह डबल स्टैंडर्ड होते हैं एंड सर्कुलर होते हैं। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग जेनेटिक रिएक्शन, इसमें से कौन था जेनेटिक रिएक्शन, तो इसका हो जाएगा कि एंजाइम विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ जेनेटिक फैक्टर, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, फेज भी है, प्लाज्मिड है, कॉस्मिड भी है। एंजाइम ब्रेकिंग न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स आर नोन एज, तो न्यूक्लियोलेजेस हो जाएगा। फिर इफ द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन एन एनिमल इज 12 देन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन, जो ये कंडीशन होगा मोनोजोमिक कंडीशन, तो उसमें यही है तो 23 हो जाएगा। ध्यान में रखना कैसे ये सब होता है। विल्ड टाइप आर जनरली जो होते हैं वह रिसेसिव होते हैं, वेरिएबिलिटी में ओरिजिनेट ड्यूरिंग मियोसिस इज ड्यू टू, तो इसका हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट DNA इन विट्रो कंडीशन में खोजा हुआ है G.D. वाटसन इन बी डैंस मेंट फॉर, तो ये बात जानते रिप्रोडक्शन होता है। विच वन ऑफ दिस इज अ सिक्रीशन फ्रॉम बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, तो इसका हो जाएगा लैक इंसेक्ट के द्वारा सिक्रीशन होता है। फिर उसके बाद है कमर्शियल लैक इज, कमर्शियल लैक जो होता है वह इसमें नेस्ट ऑफ अ टाइप ऑफ बर्ड की तरह ये होते हैं। फिर है द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज क्वाइंड बाय, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा बेंड्रा ने, अटंट मोटर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन, तो यहाँ पर जो, तो इसको आराम से देखेंगे, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए, यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन, तो ये अब्सेंट होता है राइबोसोम में। विच ऑर्गेनेल इज अब्सेंट इन एनिमल सेल में, कौन सा ऑर्गेनेल अब्सेंट होता है, तो इसका जाएगा प्लास्टिड में, ये नहीं होते। फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह 2 टाइप के ये भी होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर है तो एक्सचेंज ऑफ कॉमन सेगमेंट बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमैटिड ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड, तो इसका हो जाएगा ये क्रॉसिंग ओवर। फिर एप्लीकेशन ऑफ DNA एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड, तो स्पेसिफिक पॉइंट पर होता है उसको इनिशिएशन पॉइंट कहते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड इन RNA
एंड नॉट इन डीएनए। तो ये आसान है। तो इसका यूरासिल बात जानते होंगे जो कि खाली आरएनए में होता है, डीएनए में ये नहीं प्रेजेंट होता। फिर द सेल स्ट्रक्चर विच ऑलवेज डिसअपीयर ड्यूरिंग माइटोसिस के द्वारा कौन सा ये ऑर्गेन कौन सा ये अब्सेंट हो जाता है, तो इसका हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द मेल ह्यूमन इज रिप्रेजेंटेड सेक्स हार्मोन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से, तो मेल वाला बोला इसलिए एक्स वाई, फीमेल वाला बोलता तो एक्स एक्स होता। फिर है द वेक्टर होस्ट इज, तो इसका हो जाएगा डिजीज ट्रांसमिटिंग होस्ट होता। फिर इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ वोसेरिया बैंक्रोप्टी का जो यहाँ पर है, तो इसका हो जाएगा क्यूलेक्स। फिर है इन बीहाइव, जो इन बीहाइव विच वन इज स्टराइल कौन होते, तो इसका वर्कर जो होता है वह स्टराइल होते हैं। म्यूटेशन अकर्स जो होता है, म्यूटेशन तो देख चुके हैं कि इन एनी सेल ऑफ द बॉडी एक्सपोज टू रेडिएशन से एक्सपोज होता है। फिर है द फर्टाइल फीमेल हनी बी इज कल, तो इसको कहते हैं क्वीन। तो इस तरीके से हमने पेपर सिक्स को पूरा पढ़ लिया। इस तरीका से जो भी अगर एक आध क्वेश्चन गलत लगा हो तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, इसलिए चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही पूरा पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जूलॉजी अगर आपका ऑनर्स सबसे क्लियर हो तो ज्वाइन करना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।